देखो बच्चों, हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और पोटेंशियल के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। अब आज हम लोग इसके बीच में रिलेशन डेराइव करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें काफ़ी कुछ समझने का है, काफ़ी कुछ मैथमेटिक्स है, तो अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम कैसे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो बच्चों, इसका सबसे मेन कारण ये है कि अगर हम बात करें, हम जैसे अर्थ पे रहते हैं तो यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड भी है, ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटेशन फोर्स भी हम पे, और उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जीज भी होती है बॉडी की। तो ये एक कोर रिलेटेड फिनोमिना है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी हम पे लगता है, हमारे पास हम पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है और हमारी कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात हुई ग्रेविटेशन की, बट हम ग्रेविटेशन तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है दो चीज़ों के बीच में, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो होता ही होता है दो चीज़ों या दो चार्जेस के बीच में या मल्टीपल चार्जेस के बीच में। इसी के साथ साथ उन सिस्टम की कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, सीधे सीधे मैंने एक रिलेशन लिख दिया था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R, एंड E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल R। ये एक रिलेशन लिख दिया था लास्ट क्लास में। फिर मैंने कहा था कि इसका डेरिवेशन हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, डेरिवेशन चालू करते हैं, कुछ चीज समझाते हैं आपको और सिखाते हैं आपको। मान लो बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस टेक वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसमें फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। और मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ए है ये बी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल है वी और इसका है वी प्लस डेल वी। अब ऐसा कैसे है थोड़ा सा बता देते हैं। देखो बच्चों, मान लो यहाँ एक चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज शीट रखी हुई है। इनफाइनाइट चार्ज शीट मतलब कि अगर एक शीट पे बहुत सारा चार्ज होता है और काफ़ी लार्ज शीट होती है, इसे कहते हैं इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उसी शीट की वजह से फील्ड है और हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस करती है। अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे मान लो ये अर्थ है, लेट अस टेक वी हैव अर्थ, ये अर्थ है, ये एक तरीके से क्या प्रोड्यूस करती है, ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस कर रही है अपने आसपास, करती है नहीं करती है। ऑल दो आज तक आपने कभी कोई फिगर नहीं देखी होगी जिसमें ग्रेविटेशन फील्ड को दिखाया होगा, बट मैं दिखा रहा हूँ, ग्रेविटेशन फील्ड है लेट अस टेक, और हर हाइट पे पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, अगर आप देखो यहाँ पे ये हाइट है, इस पर पोटेंशियल कम होगा, इस हाइट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल कम या ज्यादा मतलब इस हाइट पे किसी बॉडी को रखो तो उसकी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, बड़ी हाइट पे रखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल को एग्जिस्ट करता है, ये एक इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हर जगह सेम है, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोगों ने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में कि अगर कोई इनफाइनाइट शीट होती है, इसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ही है, जैसे जैसे शीट से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, क्योंकि शीट की वजह से हर पॉइंट पे इन्फ्लुएंस होता है और हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ किसी भी पॉइंट पे लोगे तो पोटेंशियल होगा वी प्लस डेल वी, डेल मतलब स्मॉल डिफरेंस ऑफ वी। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको वी
और इसको वी प्लस डेल वी क्यों लिखा है, या डेल्टा वी कई बार लिख देते हैं हम लोग, तो ऐसा क्यों लिखा है? तो कोई जवाब है बच्चों आप लोगों के पास? हमने इसको ये क्यों लिखा है, इसको ये लिखे हैं, क्या रिवर्स नहीं लिख सकते थे? देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि एक तो पहली बात तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो एक इसको V1 V2 भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, V1 V2 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह पोटेंशियल V1 है, एक जगह पोटेंशियल V2 है। जैसे एक एक वाट इसकी हाइट H1 है यहाँ पर, और हाइट बढ़ गई तो क्या हो गई, H2 हो गई। तो जब हाँ देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि आमतौर पे देखा जाए तो अगर जैसे पॉजिटिव शीट है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा पास में, और दूर में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल हमने वी वी प्लस डेल्टा वी, ग्रेविटेशन नहीं है बच्चे, ये ग्रेविटेशन नहीं है। इधर देखो हाँ बताते हैं बच्चा, सब समझ धीरे धीरे रुको, सब समझ में आएगा बच्चे। इजी चीज नहीं है ना जो डायरेक्ट समझ में आ जाए, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कोरिलेट कर रहे हैं। देखो अच्छे पहले सुनते जाओ उसके बाद देखना, थोड़ा समझ में आएगा ठीक है। वैसे भी कोई सिंपल चीज नहीं है, अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता है। तो ये शीट है, तो शीट है तो जैसे इसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, तो शीट के पास उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है, तो शीट के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा आमतौर पर, और दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लो यहाँ इस लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V, और इस लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल है V। बाद में बताएंगे अच्छे डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो तो बच्चे V1 V2 भी लिख सकते हैं ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ पोटेंशियल है V2, बच्चों के सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, और इन दोनों में जो सेपरेशन है वो है डेल्टा आर ठीक है। इन दोनों लाइन में जो सेपरेशन है वो डेल्टा आर है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि अब ये हमारे पास ये सिस्टम है, अब जब मैं पूछूं तब जवाब देना। मान लो हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, एक तो ये है शीट और एक चार्ज है स्मॉल चार्ज क्यू ठीक है। स्मॉल चार्ज क्यू को हमको यहां से लेके यहां आना है, इस पर लेके आना है यहां से लेके, तो क्या हमें वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा वर्क? क्यों करना पड़ेगा बताओ अच्छी अनन्या, बताओ क्यों करना पड़ेगा, क्यों वर्क करना पड़ेगा बताओ बताओ। क्योंकि ये शीट पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, इसको लाने के लिए इस शीट के पास हमें वर्क करना पड़ेगा। देखो जो वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर आप कभी एनालिसिस करो तो हमने वर्क डन के दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। एक होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब कभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज का केस हो तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दो फॉर्मूले लगते हैं। जैसे मान लो अगर मुझसे कोई पूछे कि ये डस्टर है, इसको इट्स हिस हाइट से लेके ऊपर हाइट तक लेके जाना है, मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मैं दो तरीके से इसको डिराइव कर सकता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये एक बॉडी है, इसको कुछ हाइट ऊपर तक ले जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, जो हाइट है वो कितनी है, एच है। तो एक वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। मान लो एम मास की बॉडी है, इस पर अर्थ एम जी फोर्स लगा रही है, तो मुझे ठीक एम जी जितना ही है उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। ये मेरा क्या होगा यहाँ, ये मेरा कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो बच्चों? अगर एक बॉडी का वेट एम जी होता है, डाउन फोर्स एम जी होता है, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए भी एम जी के आसपास। अब माइन्यूटली बच्चे बहुत ना के बराबर एम जी, देखो मान लो 10 है, अगर वेट 10 है तो आप 10.000001 भी लगा देते हो, 0.000001, तो वो तो ज्यादा ही हुआ, बट उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। स्टार्टिंग में इनिशिएट ज्यादा करना पड़ता है, उसके बाद बॉडी चलेगी, उतना ही दे दो, इनिशिएट करने के लिए ज्यादा देना पड़ता है। जैसे मान लो जिस वक्त उठाया, देखो ऐसे उठाया, तो उस वक्त मैंने उससे ज्यादा लगाया हुआ, बट उसके बाद उतना ही भी लगाओ तो बॉडी चलेगी, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक बॉडी एक बार मोशन में आ गई तो आप उस पर नेट फोर्स जीरो भी हो जाए तब वो मोमेंटम गेन कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे स्टार्टिंग में अगर 10 का है, बस बॉडी का 10 का वेट है, आपने स्टार्टिंग में उठाया तो 10 से ज्यादा लगाओगे, बट उसके बाद मूवमेंट के लिए आपको 10 से ज्यादा 10 ही चाहिए, ठीक 10 चाहिए फिजिक्स के हिसाब से और एक्चुअल के हिसाब से, मतलब बट ये बॉडी के वेट से कम नहीं होना चाहिए।
नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बच्चे, नेट फोर्स जीरो या उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो एक बॉडी है, उसका वेट है 10 न्यूटन, आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में 10, अगर वेट बॉडी का वेट 10 न्यूटन है तो आपको 10 से ज्यादा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा माइन्यूटली, बट बाद में अगर आप 10 भी लगाते हो तो 10 ऊपर 10 नीचे नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो हो गया। तो आप कहोगे सर बॉडी कैसे चलेगी, बॉडी चलने लग गई है और बॉडी ने मोमेंटम वेलोसिटी गेन कर ली ना, तो आपको और फोर्स देने की जरूरत नहीं है, समझे बच्चे। तो आप इवन इस में मत पढ़ना बच्चे, क्योंकि कई बार मैंने डिस्कस किए ये चीजें, तो आप ये चलो आपको कभी लगे भी तो थोड़ा सा माइन्यूटली ज्यादा मान लो, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं बच्चे। अगर 10 न्यूटन यहां लग रहा है तो आप मान लो 10.00000001, अब तो ज्यादा हो गया ना, अब तो चलेगी बॉडी ऊपर, तो बस काफी है। तो mg मान लो बच्चे, ठीक है, तो mg मान लो, तो कितना लगाना पड़ेगा mg, अगर mg नीचे लग रहा है तो mg, तो फोर्स कितना लगा रहे हैं mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h, तो आपने कितना वर्क डन किया mgh, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये भी क्या होती है, अगर आप वर्क डन करते हो तो वर्क डन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, और ये भी क्या होगा mgh, तो दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आता है, दोनों से आंसर क्या आता है सेम आता है। अगर आप किसी बॉडी पे, किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क करते हो तो वर्क डन चाहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाला जाए, चाहे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जाए, अगर बॉडी की काइनेटिक, नहीं बच्चे ये देखो ना, ये देखो एक तो इस तरीके से दिखाना है हमको, एक इस तरीके से दिखाना है, ये तरीका है देखो, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना हो गया एमजी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एच, तो एक एमजीएच से निकाल लिया, और दूसरा 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 क्या होता है वर्क डन क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एमजीएच, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, आंसर सेम आएगा। देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है, कभी हम किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो हमें वर्क डन निकालना होता है, तो वर्क डन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बकायदा। बट एक सिचुएशन का ध्यान रखना कि उसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो इनिशियल है वो फाइनल होनी चाहिए, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। बट अभी आप ये मान के चलो कि अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की चेंज नहीं होती है, देखो हम आमतौर पर पढ़ते हैं 11th क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो सभी मानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला भी हमने अभी भी देखा है लास्ट क्लास में काफी देखा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल जी वाला दो फॉर्मूला है। तो अभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो देखो बच्चों जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक चार्ज है तो इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है, तो मुझे वर्क डन निकालना है, कि ऑब्वियस सी बात है मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि मुझे एक्सटर्नल वर्क डन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी पॉजिटिव शीट, पॉजिटिव चार्ज को अपने आसपास आने नहीं देगी, हमेशा अपोज करेगी। अगर मुझे वर्क डन निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन लगा, तो ये दो फॉर्मूले हैं मेरे पास जो कि हम यूज कर सकते हैं, एक है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाना चाहें हम लोग, तो हम लगा सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों लगाएं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि बेसिकली हम फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फील्ड के अगेंस्ट क्या फोर्स होता है, फील्ड इस चार्ज को कहती है भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, मतलब धक्का दे रही है यहाँ से भाग, जबकि फील्ड कहाँ भगा रही है चार्ज को, किधर भगा रही है, किधर धकेल रही है, राइट साइड धकेल रही है। फील्ड कितना फोर्स लगाती है, देखो बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फील्ड का जो फोर्स होता है फिजिकल टू क्यू ई। अगर कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज प्लेस्ड है, अगर कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज प्लेस्ड है, उस पर फोर्स होता है फिजिकल टू क्यू ई। तो ये जो फील्ड होगी ये एफ इजिकल टू क्यू ई फोर्स से उसको भगा रही होगी, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, ऐसे भाग भाग भगा रही है। बट हमें क्या करना है, हमें लेके आना है, पास लेके आना है, हमें वर्क डन करना है, तो हमें फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आमतौर पर इसके केस में भी होता है, फील्ड इसको नीचे ले जा रही होती है, हम इसको अगर हमें ऊपर ले जाना है तो हम ऊपर ले जा रहे हैं, और ठीक इतना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कितना लगाना होगा हमको, इतना ही लगाना होगा ना क्यू ई। देखो अच्छे मैग्नीट्यूड वाइज क्यू ई लगाना होगा, जैसे ये मैग्नीट्यूड वाइज क्यू ई है तो हमको भी ठीक उतना ही लगाना होगा, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रही है, हमको किधर लगाना है, इधर लगाना है, हाँ नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है अच्छे। तो एक्चुअली क्या है, देखो ये है, ये है फोर्स ऑफ फील्ड,
जिस फोर्स से फील्ड भगा रही है कि भाग जा भाग जा भाग जा, और हमारा जो फोर्स होगा ये जस्ट अपोजिट होगा, मतलब हमको बेसिकली अपोजिट फोर्स लगाना है। और अगर हमें हमारा देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है तो होगा इतना ही, बट हम साइन नेगेटिव यूज कर रहे हैं। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर साइन नेगेटिव क्यों यूज करें, या डायरेक्शन तो देखो ना, वो इधर लगा रहा है हम इधर लगा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो गई साइन चेंज हो जाएगा। अब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना हुआ हमारे पास माइनस क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारे पास यहां से लेके यहां तक ले आए क्या हुआ डेल्टा आया, इतना वर्क डन या नहीं आया, कोई डाउट अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं बच्चे मैं जब तक नहीं बोलूं अब तब तक बोलना नहीं कुछ भी, या दिमाग भी नहीं चलाना बिल्कुल भी। तो अभी इसको देखो, एक तरीके से वक्रन, एक फॉर्मूले से वक्रन हमने निकाल लिया, फंस जाओगे कुछ नहीं समझ में आएगा अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो, बस इतना जितना बता रहे हो उतना दिमाग लगाओ, इतना ही सोचो ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों, हमने आपको बताया, अब अगर आप इसको यहां से लेके यहां लेके आते हो तो जरूरी नहीं है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएं, हो सकता है हम ये भी लगा सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने कुछ दिन पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल में एक रिलेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था डेल्टा यू क्या होता है, क्यू डेल्टा वी होता है, हमने एक रिलेशन ये पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो, नहीं हो तो भाई देखो मैं वीडियो जाके देखो दोबारा दोबारा देखो, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो दोबारा देखो तिबारा देखो, चीजें इतनी सिंपल नहीं है, जब तक दो तीन चैप्टर अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे का नहीं सीख पाओगे। ये 11, 12 में फर्क है, 11 में कोर्स सिलेबस बहुत ज्यादा है बट समझ में आसानी से आ जाता है स्टार्टिंग की चीजें, यहाँ कोर्स सिलेबस कम है बट स्टार्टिंग में आपको समझने में बहुत जान लगेगी चीजों को ठीक है। ये फॉर्मूला हमने सीखा था तो हम ये भी लगा सकते हैं वर्क डन का चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V1 माइनस V2, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जहां से जहां लेके आए हो, नहीं बच्चे फाइनल माइनस इनिशियल, आप कभी भी जब डेल्टा लिखते हो किसी चीज में तो आमतौर पे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल ये है इनिशियल ये है ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी को ठीक है। तो अब क्या है कि अगर दोनों को ही हम इक्वेट कर दें, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है दोनों एक तरीके से सेम फॉर्मूला है तो इक्वेट कर दो, और एक्चुअली क्या है इसको हम ये ना लिखें सिर्फ डेल्टा वी ही लिख देते हैं, क्योंकि ये तो मैंने चलो खोल के लिखा है ओपन करके लिखा है क्लोज फॉर्म में यही है ठीक। अब देखो इससे क्या है कि अगर मान लो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं इक्वेट कर देता हूं तो क्या आएगा, ये क्यू डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा माइनस क्यू ई डेल्टा आर, क्यू से क्यू कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। एक्चुअली क्या हमने यहां डेल्टा डेल्टा लिया है, कई लोग डेल लेते हैं देखो, तो एक्चुअली क्या है कि जब इक्वेट करेंगे तो ये आएगा, हमने यहां डेल्टा लिया है। अब डेल्टा और डेल में क्या फर्क होता है देखो बच्चों, लार्ज चेंज के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए हम डेल यूज करते हैं, ऑल दो मैं चाहता तो यहां मैं यहां पर डेल आर यूज कर लेता और यहां डेल वी यूज कर लेता तो ये पूरी डेरिवेशन भी प्रॉपर तरीके से हो जाती। तो ये हमने ड्राइव किया, ये ड्राइव की बात सेम ही है, बट एक्चुअली क्या है कि अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले में कैसा यूज है, मैं बताऊंगा दोनों को अच्छे से। आप एक मिनट जाओ बच्चे, तो देखो बच्चे अब हम कुछ चीजें यहां सीखने वाले हैं कि आखिर इन दोनों फॉर्मूले में भी क्या डिफरेंसेस हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा ये हम बहुत बेसिक केसेस में अप्लाई करते हैं, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला, और मोस्टली ये उन्हीं केसेस में अप्लाई करते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला हम और भी केसेस में अप्लाई कर सकते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। इसमें जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा, मतलब साइन आई जे के डायरेक्शन ही पता चलती है। इसके अंदर आई जे के की फॉर्म में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कई बार है नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अगर हमसे कभी कोई पूछे नेगेटिव साइन, देखो अच्छे आमतौर पर जब कभी नेगेटिव साइन है तो उसका मतलब वैसे ही अपोजिट ही होता है। तो हम एक चीज बताते हैं देखो अच्छे, जैसे ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में राइट साइड जा रही है, रुको तो सही बच्चे तो क्या मत मारो, इधर देखो
अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव करें, तो पोटेंशियल घटता जाएगा, क्योंकि प्लेट के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर दूर जाते हैं तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब यह है, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना चालू करें प्लेट के ऐसे ऐसे ऐसे, प्लेट से दूर होते जाएंगे और पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अभी कोई